हेलो दोस्तों, आज हम लंदन के इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक के बारे में बात करेंगे, 1666 की भीषण फायर। जरा सोचिए, 2 सितंबर 1666 की सुबह हुई है। लंदन शहर चर्च की घंटियों की आवाज से नहीं बल्कि आग की लपटों की चटकने से जगने वाला है। यह आग लंदन ब्रिज के पास पुडिंग लेन में एक छोटी सी बेकरी में लगती है। शायद ही किसी को पता था कि यह छोटी सी आग जल्द ही इंग्लैंड की राजधानी के दिल को निगल जाएगी। अब यह आग इतनी तेजी से और भीषण रूप से क्यों फैली? इसका जवाब उस समय के लंदन के निर्माण में है। पूरा शहर लकड़ी की इमारतों से ठसाठस भरा हुआ था और संकरी गलियां ऐसी भूल भुलैया बनाती थीं जो आग को खूब भाती थीं। जैसे जैसे आग भड़कती गई, उसने किसी का लिहाज नहीं किया। मामूली घरों से लेकर शानदार सेंट पॉल कैथेड्रल तक लपटों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया। 4 दिनों में इसने 13,000 से अधिक घरों और 87 चर्च को तबाह कर दिया। कल्पना कीजिए, शहर के 80,000 निवासियों में से लगभग 70,000 लोग बेघर हो गए थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ एक आस भी होती है, इस भीषण आग से जो तबाही हुई उससे बड़े बैटलाव आए। इसके जवाब में लंदन बिल्डिंग एक्ट 1667 लाया गया। यह कोई मामूली कानून नहीं था, यह शहरी नियोजन और अग्नि सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस कानून ने लकड़ी के बजाय ईंट और पत्थर से निर्माण को अनिवार्य कर दिया, सड़कों को चौड़ा किया और अनिवार्य रूप से आधुनिक लंदन शहर का खाका तैयार किया। तो अगली बार जब आप लंदन की व्यवस्थित और विशाल सड़कों पर चले तो याद रखें कि ये 1666 की भीषण आग की राख से पैदा हुए थे। एक ऐसी आपदा जिसने एक शहर को नया रूप दिया और इतिहास की धारा बदल दी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस बात से रोमांचित हैं कि कैसे ऐतिहासिक घटनाएं हमारी दुनिया को आकार देती हैं, तो इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।